subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, welcome to my YouTube channel. और इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक. सो लेट्स स्टार्ट विद द मंथली चार्ट. तो आप देखोगे लास्ट मंथ हमने निफ्टी में लगभग 9% की रैली देखी थी. इस महीने की शुरुआत हमने अच्छे खासे पॉजिटिव नोट पे किए हैं और जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू हो रहा है. यहाँ जो है तो निफ्टी दिखा रहा है लगभग 1.25% के गेन, 215 पॉइंट गेन के साथ ट्रेड कर रहे हैं फॉर द मंथ. और यहाँ जो है तो जिस तरह से प्राइस पैटर्न है, मुझे लगता है कि निफ्टी जो है तो मीडियम टू लॉन्गर टर्म में 18,400 से लेकर 18,700 के लेवल जो है तो आने वाले महीनों में हमें दिखा सकता है. नीचे की तरफ यहाँ जो है तो सपोर्ट जोन रहेगा 16,400 के अराउंड. तो वहाँ जो है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बाइंग का सोचना चाहिए. और ऊपर जो है तो 18,350 और 18,700 के अराउंड हम जो है तो प्रॉफिट बुकिंग करने की सोचेंगे विद अ लॉन्ग टर्म होराइजन. अभी देखते हैं वीकली चार्ट. तो वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो लास्ट वीक हम लगभग 1.25% गेन के साथ बंद हुए हैं. और अगर आप वीकली चार्ट पे देखोगे तो लगभग ये जो है तो ये तीसरा हफ्ता था जिसमें निफ्टी जो है तो गेन के साथ बंद हुआ है. लास्ट हफ्ते हमने लगभग 3% की गेन देखे थे, उससे पहले जो है तो 4% के गेन. तो एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और एक वैल्यू बाइंग रैली जो है तो निफ्टी में चल रही है. जिसका जो टारगेट दिख रहा है मुझे इन मीडियम टर्म वो है 18,100 से लेकर 18,450 का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. यहाँ जो है तो वीकली चार्ट पे आपको सपोर्ट जोन देखेंगे 16,650 और 16,400 पे मेजर सपोर्ट जोन है. तो उन लेवल पे अगर निफ्टी आता है किसी कारणवश तो वहाँ आपको जो है तो बाइंग की सोचनी चाहिए. जिस तरह से मोमेंटम है मुझे लगता है कि अगर डिप्स आते भी है मार्केट में तो वो बाइंग के लिए यूज़ होंगे. और हम जो है तो धीरे धीरे 18,100 से लेकर 18,450 की टारगेट जो है तो आने वाले कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों में देखने को मिल सकते हैं. अभी देखते हैं डेली चार्ट. तो डेली चार्ट पे आप देखोगे कि हमने जो है तो एक अच्छे खासे फॉल के बाद जो है तो अच्छी खासी रिकवरी दी है. और यहाँ जो है तो अभी ये शॉर्ट कवरिंग रैली में कन्वर्ट हो चुका है. आप देख सकते हो इस यहाँ जो है तो बहुत सारे शॉर्ट ट्रैप है निफ्टी पे जो है तो शॉर्ट टर्म के लिए जो सपोर्ट है भी वो 17,300 का है. अगर उसके नीचे जाते हैं तो आपको एक डीपर करेक्शन देखने को मिल सकता है निफ्टी में, जो उसको 16,900 से लेकर 16,600 के लेवल की तरफ लेकर जा सकता है. तो 17,300 ये शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है. अगर उसके नीचे हम सस्टेन करते हैं तो आपको जो है तो थोड़ा सा कॉशियस रहना है और नीचे के लेवल जो है तो वेट करना है नीचे के लेवल पे आने का निफ्टी को. और उसके बाद में जो है तो फिर से आप बाइंग कर सकते हो. अगर हम 17,300 को होल्ड करते हैं तो आपको 17,700 और उसके बाद में 18,350 के टारगेट जो है तो इसी महीने आपको देखने को मिलेंगे. तो 17,300 ये लक्ष्मण रेखा है, उसके नीचे अगर सस्टेन करता है या क्लोज होता है मार्केट डेली क्लोजिंग बेसिस पे तो आपको मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि हम जो है तो एक डीपर करेक्शन देख सकते हैं 16,900 और 16,650 की तरफ. उन लेवल पे आपको फिर बाइंग की सोचना है निफ्टी में. और उसके जो टारगेट रहेंगे जैसे मैंने कहा लॉन्ग टर्म में लगभग 18,000 से 18,500 के टारगेट जो है तो आपको निफ्टी दिखा सकता है इन लॉन्गर टर्म, मीडियम टू लॉन्गर टर्म. शॉर्ट टर्म में जो है तो 17,700 और 18,350 के टारगेट जो है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. यहाँ जो करेक्शन आने की संभावना है वो अगर अनइवेंट कुछ इवेंट होते हैं ये वॉर फ्रंट पे तो उसकी वजह से यहाँ शार्प प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है. मगर जिस तरह से अभी तक मोमेंटम है मुझे लगता है कि उसके भी चांसेस बहुत कम है. यहाँ जो है तो आपको शॉर्ट कवरिंग ही देखने को मिलेगी क्योंकि मार्केट जो है तो मार्केट ने बहुत सारे शॉर्ट ट्रैप किए हैं और यहाँ से मार्केट जो है तो मोस्ट प्रोबेबली ऊपर जाने का ही सोचेगा. 17,300 आपको एक जो है तो वो क्लोजली वॉच करना है. उसके नीचे करेक्टिव ट्रेंड शुरू होगा. करेक्टिव ट्रेंड का टारगेट रहेगा 16,900 16,650. अगर 17,300 के ऊपर रहते हैं तो 17,700 और उसके बाद में जो है तो 18,350 के भी टारगेट आपको निफ्टी इस सीरीज में दिखा सकता है. मेरा जो स्ट्रैटेजी रहेगा वो मोस्टली बाइंग साइड पे रहेगा. अगर करेक्शन आते भी है तो आई विल वेट फॉर टू करेक्शन गेट ओवर. उसके बाद में जो है तो लॉन्ग एंट्री हम प्रिफर करेंगे. शॉर्ट जो है तो मोस्ट प्रोबेबली इंट्राडे बेसिस पे या फिर स्काल्पिंग के लिए यूज़ करेंगे. मोस्ट जो बड़ी पोजिशन है वो मोस्ट ऑफ द टाइम लॉन्ग साइड पर रहेगी.
और जो मेरा टारगेट रहेगा वो 17,700 और उसके बाद में 18,350 के टारगेट पे हम निफ्टी पे लॉन्ग यू पकड़ के चलेंगे। एसजेएस निफ्टी जो है फ्राइडे के दिन लगभग 80-85 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, लगभग 17,340 के अराउंड। तो अगर मंडे के दिन मार्केट उधर खुलता है तो आपको वहाँ थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है, और जैसे रिवर्सल आए आपको लॉन्ग में एंटर कर लेना है। मुझे लगता है कि आपको फिर से एक जो है तो अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है यहाँ। तो मोस्ट ट्रेड जो है आपको लॉन्ग साइड पे लेनी है, मेरा भी व्यू लॉन्ग साइड पे ही रहेगा। 17,300 के नीचे थोड़ा सा जो है तो पोजिशन साइज कम हो जाएगी लॉन्ग साइड की, और जो है तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके जो है तो हम लॉन्ग ट्रेड लेंगे। मगर 17,300 के ऊपर जो है तो मुझे लगता है कि मोमेंटम जो है तो बरकरार रहेगा, और 17,700 और 18,350 के टारगेट जो है तो निफ्टी आपको श्योरली दिखा सकता है अगर हम 17,300 का लेवल होल्ड करते हैं। या ऑप्शन ट्रेडर के लिए सलाह रहेगी, जब तक 17,300 के ऊपर है आपको जो है तो इन द मनी कॉल ऑप्शन 17,000 का उस पर फोकस करना चाहिए। उसके जो टारगेट रहेंगे वो 700 से लेकर 1,350 के टारगेट आपको उस ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। ये मैं वीकली ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। और यह जो है तो 17,300 के नीचे जाते हैं तो हम जो है तो फिर फोकस करेंगे 16,650 का जो कॉल ऑप्शन है उस पर, तो उस पर जो है तो डिप्स पे हम उसमें बाइंग के मौके ढूंढेंगे। मोस्ट प्रोबेबली मेरा जो ट्रेड रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम लॉन्ग साइड पे ही रहेगा, और आपको भी सलाह रहेगी कि मोस्ट ऑफ द ट्रेड आपको जो ढूंढना है मार्केट में वो लॉन्ग साइड पे ही ढूंढना है, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ से एक मार्केट में एक रैली ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, इसको फ्यूल मिलेगा आने वाले टाइम में, और आपको जो है तो एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग रैली या फिर मोमेंटम ट्रेड मिल सकते हैं। सो स्टे ऑन लॉन्ग साइड, फॉलो बाय ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी। 17,300 के ऊपर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, 17,300 के नीचे ही थोड़ा सा दिक्कत का काम शुरू होता है, तो वहाँ जो है तो वेट ऑन वॉच करके भी जो है तो लॉन्ग साइड के ट्रेड आप ढूंढ सकते हैं। सो आई होप सो, सो दैट्स इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड। एंड इफ यू वॉन्ट अ श्योर शॉर्ट कॉल्स इन निफ्टी फ्यूचर ऑप्शंस, यू कैन सब्सक्राइब टू माई प्रीमियम सर्विस, तो उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ जाकर ज्वाइन कीजिए और आप जो है तो एक अच्छा खासा मुनाफा मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करके कमा सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।